हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल है, जैसे कि मैंने आपको कहा था और ट्रेलर भी डाला था। तो फाइनली आज आपको मिलने वाली है आज के इस वीडियो में फुल लाइव सेटअप टूर। एक बड़े लाइव सेटअप में क्या क्या यूज़ होता है और उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, वो सारे कुछ डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इस तरह के बहुत सारे टॉपिक लाते रहें। और हमारे इस चैनल पे 1,00,000 होने में बहुत कम सब्सक्राइबर बाकी हैं, तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए उस जगह पे हम चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ वहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे और एक सेटअप लगा हुआ था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाला पार्ट वन वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रंट ऑफ हाउस में आज यूज होने वाला है ये सबवूफर्स या फिर आप कह सकते हैं लो मिड लाइनरेज। इसका मॉडल नंबर है JBL Vertec VT4880A। इसका कंटिन्यूस पावर जो है वो है 4000 वॉट। इसमें दो न्योडिमियम स्पीकर्स 18 इंच के डले हुए हैं जिसका कंटिन्यूस पावर 4000 वॉट है। तो इस तरह के एक साइड में 4 सबवूफर लगाए जाने वाले हैं और दूसरी साइड में भी 4 सबवूफर लगाए जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें देखने में मिल जाता है 3-way लाइनरेज जो कि है JBL Vertec VT48891। इसमें आपको 2 15 इंच के न्योडिमियम स्पीकर और 4 8 इंच के मिड रेंज स्पीकर और 2 HF देखने में मिल जाएंगे। तो इस लाइनरे एक पीस का जो कंटिन्यूस पावर है वो है 3600 वॉट। तो यहाँ पे ये सब असेंबल होने वाले हैं। एक साइड में लगाए जाने वाले हैं 6 लाइनरेज और दूसरी साइड में भी 6 लाइनरे इस तरह के लगाए जाने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको फिट करना होता है और एक के साथ दूसरे को फिर से कैसे जॉइन करना होता है और इसको ऊपर उठाया जाता है। फिर तो इस तरह से कुछ सेटअप का काम चल रहा है। और ये दूसरा साइड का है और दूसरे साइड में भी 6 लाइनरे यूज होने वाले हैं। और यहां पे आप देख सकते होंगे क्राउन के बहुत सारे एम्पलीफायर जिनको फ्रंट ऑफ हाउस और मॉनिटर के लिए यूज किए जाने वाले हैं। ये JBS ऑडियो कटक की साउंड कंपनी है और जॉइन करने के बाद इस तरह से इसको ऊपर उठाया जाता है और इस तरह से हमें कुछ देखने में मिल जाते हैं पावर सप्लाई यूनिट्स। और नीचे में इस तरह से 4 सबवूफर्स रखे जाने वाले हैं और उसके ऊपर 6 3-way लाइनरे यूज होने वाले हैं। तो
इस तरह से कुछ दिखता है ये स्टेज। इस स्टेज के ऊपर भी काम चल रहा है और ये जो स्टेज है ये फिर से रीडिजाइन भी होने वाले हैं। और दूसरी साइड में भी कुछ एम्पलीफायर हमें देखने में मिलता है। यहाँ पे क्राउन XTi 6002, iTek 4x3500, iTek 12000 और 9000। और वहाँ पे इनका मिक्सिंग बोर्ड लगाया जाने वाला है, तो चलिए वहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ UPS, कुछ मिक्सर्स और कुछ फ्लाइट केस देखने में मिल रही हैं। जब शाम का टाइम हो जाएगा तो सारे के सारे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो जाएंगी। और ये है क्राउन iTek 4x3500। ये एक 4-channel DSP एम्पलीफायर है। इसमें 4 चैनल है, हर एक चैनल में आपको 4 ओम्स में 4000 वॉट आउटपुट मिल जाएगी। इसमें ये यूज़ करने वाले हैं लाइनरेज। और यहाँ पे हमें देखने में मिलता है iTek 9000 और iTek 12000, इसमें ये यूज़ करने वाले हैं सबवूफर्स। इसके बैक साइड से एक बार देख लेते हैं। iTek 4x3500 का बैक साइड में आपको देखने में मिल रहा होगा 4 एनालॉग इनपुट और 4 डिजिटल इनपुट और 1 नेटवर्क के लिए इनपुट मिलता है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है आउटपुट के लिए स्पीकर कनेक्टर और एक साथ 4 चैनल का सप्लाई लेने के लिए भी कनेक्टर्स देखने में मिलता है। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है सहनाइजर सियोर का माइक्रोफोन्स। और यहाँ पे उनका केबल्स देखने को मिल रहा है, तो चलिए एक बार स्टेज के ऊपर हम चल के देख लेते हैं। तो स्टेज के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है ट्रस में लगे हुए बहुत सारे लाइटिंग्स। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है JBL STX मॉडल का सबवूफर और टॉप, जिसको मॉनिटर के लिए यूज किया जा रहा है। एक साइड में ये है और दूसरी साइड में भी लगाया गया है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करेंगे उनके लिए ये मॉनिटर की तरह यूज होने वाला है। और यहाँ पे हमें देखने में मिलते हैं JBL PRX 800 सीरीज के एक्टिव मॉनिटर्स, और ये मॉनिटर्स सिंगर्स के लिए यूज किए जाने वाले हैं। इस तरह के हमें 4 मॉनिटर फ्रंट में हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कुछ सहनाइजर वायरलेस माइक्रोफोन्स के रिसीवर्स। और ये जो माइक्रोफोन्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं ये है सहनाइजर EW300IEM G3। और ये जो माइक्रोफोन्स हैं ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी देते हैं आपको। इनका जो प्राइस रेंज है लगभग आपको 70,000 पर पीस पड़ जाएगी। और यहाँ पे जो टेक्नीशियन है ये उसको कनेक्शंस वगैरह कर रहे हैं। ऊपर की तरफ आपको एंटीना के लिए रिसीवर्स देखने को मिल रही होगी और नीचे की तरफ आपको 8 रिसीवर्स भी देखने को मिल रही होंगी, तो इनको कनेक्ट किया जा रहा है।
और यहाँ पे हमें देखने में मिल रहा है दो DI बॉक्स। ये किस लिए काम में आता है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। और ये जो DI बॉक्स है ये एक्टिव DI बॉक्स है। और इस तरह से कुछ दिखता है ये स्टेज। और यहाँ पे शाम के टाइम और भी सारे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होने वाले हैं, जैसे कि गिटार एम्प, यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी लगाए जाने वाले हैं। तो ये इस तरह से रेडी हो चुका है लगभग फ्रंट ऑफ हाउस। तो ये जो स्टेज है ये कुछ इस तरह का दिखता है दूर से। और यहाँ पे ये सबवूफर्स रेडी हो चुके हैं और इनको कनेक्ट किया जा चुका है एम्प के साथ। और ये लाइनरें भी अपनी पोजीशन पे लगाए जा चुके हैं और इनको भी कनेक्शन किया जा चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे यहाँ पे इनका करंट सप्लाई भी दिया जा चुका है। और स्टेज के एकदम फ्रंट में हमें देखने को मिल जाता है JBL Vertec VT4888। इस तरह से हमें यहाँ पे चार देखने को मिल रहे हैं। जो लोग एकदम सामने में हैं स्टेज के, उनके लिए ये वाला सेटअप लगाया गया है। आप लोगों में से काफी लोग सोचते होंगे कि इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है एक के साथ दूसरे लाइनर को, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 4-कोर केबल्स का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे 2-कोर केबल जो है वो एक लाइनर को जाएंगे और 2-कोर दूसरे लाइनर को। इस तरह से इसका कनेक्शन किया गया है। और यहाँ पे सबवूफर्स भी लगाए जा चुके हैं दूसरे साइड में भी, और ऊपर की तरफ लाइनर भी लगाए जा चुके हैं और इनको कनेक्ट भी किया जा चुका है। और यहाँ पे जो एम्पलीफायर है पैरेलल कनेक्शन में किया गया है, क्योंकि एक साइड का लेफ्ट के लिए कनेक्ट किया गया है और दूसरे का राइट साइड के लिए कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह से कुछ दिखता है ये स्टेज। अभी म्यूजिशियंस जो हैं वो अपने इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर रहे हैं। तो चलिए मिक्सिंग बोर्ड के पास चलकर एक बार देख लेते हैं मिक्सिंग बोर्ड के पास इन्होंने क्या यूज किया है। और यहाँ पे मिक्सिंग बोर्ड में हमें पहले यहाँ पे देखने को मिल जाता है LED पैनल्स के लिए कुछ इक्विपमेंट्स यूज किए गए हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है लाइटिंग के लिए कंट्रोलर, जिससे सब लाइटिंग्स कंट्रोल होने वाले हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 2 UPS, जो कि एक नॉर्मल टाइप का है और दूसरा जो है वो ऑनलाइन UPS है, जो इस मिक्सर के लिए यूज किया गया है। और यहाँ पे ये जो मिक्सर यूज किया गया है यह है यमाहा CL5। ये एक डिजिटल मिक्सर है। इसमें आपको 32 फेडर डिजिटल मिक्सिंग कंसोल मिल जाएंगे, 72 मोनो और 8 स्टीरियो मिक्सेबल चैनल्स मिल जाएंगे। और यहाँ से सारे के सारे कनेक्शंस स्प्लिट किए गए हैं स्नेक केबल के थ्रू और वहाँ तक पहुँचाए गए हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है LED पैनल का कुछ इक्विपमेंट्स। तो इस तरह से इसको रेडी किया जा रहा है। और इसके बाद आपको देखने में मिलेंगी लाइव शो की दौरान बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, जैसे कि उदित नारायण, कैलाश खेर, बेनी दयाल और अमित मिश्रा का शो। ये अलग अलग दिनों में किया गया है। तो चलिए शो देख लेते हैं। पापा कहते हैं पढ़ा नाम कहे।
अभी तो नहीं था, अभी खो गया। तो फाइनली दोस्तों, हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर की और मैं आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक शेयर और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की बहुत सारे वीडियो मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।